नमस्कार, मैं डॉक्टर सजल कामत सह्याद्री हॉस्पिटल डेक्कन, मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट व डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम बात करेंगे कि हम शुगर को कैसे घटा सकते हैं, क्या क्या मेजर्स है जिससे हम शुगर को घटा सकते हैं या डायबिटीज़ को घटा सकते हैं। बहुत लोग हमें आके पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ कम हो सकता है। सो बेसिकली डायबिटीज़ ये एक क्रोनिक डिजीज़ है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो वो हमेशा के लिए रहता है, पर इसमें हम शुगर्स को 100% नॉर्मल रख सकते हैं। और कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सो शुगर कम मतलब क्या? शुगर को नॉर्मल रखना, नॉर्मल मतलब आपका फास्टिंग शुगर जो है वो 110 या 100 के नीचे रखना, और खाने के बाद का शुगर 140 या 150 के नीचे रखना, ये शुगर का नॉर्मल होना होता है। सो ये हम अनेक तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका है कि डाइट और एक्सरसाइज, जो परहेज दिया जाता है। आप जब भी हमारे यहाँ आओगे या हमसे कंसल्टेशन होगा तो हम यूजुअली आपको डाइटिशियन से मिलाते हैं, जो आपको शुगर कंट्रोल करने का परहेज देते हैं, डाइट चार्ट बना के देते हैं। ये डाइट चार्ट के पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कि आपको पोर्शन कंट्रोल और कैलोरी कंट्रोल करके खाना है। तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैलोरीज, फॉर एग्जांपल से 1200 किलो कैलोरीज आपको दिन में खाने हैं, तो वो कैसे डिवाइड करके खाने हैं, कब खाना है, क्या खाना है, कितनी बार खाना है, ये सब आपको आपके डाइटिशियन या हमारी डाइटिशियन बताती है। सो इससे आपका एक तो वजन घटता है और शुगर भी कंट्रोल में रहता है। दूसरा भाग है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज आप कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, एज सिंपल एज वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, आपको या डांस, जूम्बा, जो भी एरोबिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है वो आपको करनी चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, ये रिकमेंडेड है। और अगर इसके साथ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करना हो तो ये नॉन कॉन्जिकेटिव डेज पे करनी है, कंटिन्यूसली 2 दिन नहीं करना है और हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन करना है। सो ये रहा डाइट एंड एक्सरसाइज, इससे आपके शुगर्स कंट्रोल में रह सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज मेडिसिन। तो आप जब हमारे पास डायबिटिक कंसल्टेशन के लिए आते हैं, हम कई मेडिसिन, ओरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। जो डायबिटीज़ ये बीमारी है वो कई कारणों से होती है। किसी में इंसुलिन ठीक से तैयार नहीं हो रहा है, किसी में इंसुलिन तैयार हो रहा है पर वो काम नहीं कर रहा है, किसी में शुगर, लिवर से शुगर ज़्यादा बन रहा है, अनेक कारण होते हैं। तो ये अनेक कारण को टारगेट करते हुए बहुत सारे मेडिसिन आजकल आए हैं, और ये हम बेस्ड ऑन पेशेंट प्रोफाइल मेडिसिन यूज़ करते हैं। कोई मेडिसिन अब हार्ट प्रोटेक्टिव होता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कई मेडिसिन है जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पेशेंट का प्रोफाइल देख के हम ऐसे मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और यूजुअली पेशेंट को हम 1 महीने बाद 2 महीने बाद शुगर चेक करके बुलाते हैं, ताकि हम मॉनिटर कर सके कि शुगर्स कंट्रोल में है कि नहीं। तो कंट्रोल में मतलब फास्टिंग 100 से नीचे या 110 से नीचे, और खाने के बाद की शुगर 140 या 150 के नीचे। तो ये मेडिसिन से हो सकता है। और तीसरा पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्शन होता है जो आपको पेट में या पैर पे, थाइस पे लेना पड़ता है, सबक्यूटेनियस बोलते हैं, मतलब स्किन के अंदर हम वो देते हैं। अगर आपके शरीर में इंसुलिन नहीं तैयार हो रहा है तो हमें बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, इससे भी आपके शुगर्स कंट्रोल में रहते हैं। तो डायबिटीज़ जो है ये कम्प्लीटली क्योर तो नहीं होता है, पर डायबिटीज़ होते हुए भी हम शुगर्स को एकदम 100% नॉर्मल रख के नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस को हम शुगर को नॉर्मल रख के ये कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हम कम कर सकते हैं। सो हमेशा आपके शुगर्स 100 110 के नीचे, खाली पेट शुगर और खाने के बाद की शुगर
140 और 150 के नीचे होनी चाहिए, और एक हम 3 मंथ्स का एवरेज करते हैं जिसको हम HbA1c बोलते हैं, इसको हमेशा 6.5% या 6.5% के नीचे रखना चाहिए। भले इसके लिए आपको कोई भी मेजर लगे, एक्सरसाइज डाइट से हो तो अच्छी बात है, मेडिसिंस लगे तो भी अच्छा है, और इंसुलिन लगे तब भी ठीक, पर शुगर्स हमेशा नॉर्मल रखनी है। धन्यवाद। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।